भीगी भीगी अलकों से चोरी चोरी पलकों से क्यों मेरा सपना चुराए। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पर। न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, तो अभी लास्ट डे है, तो कल नाइट को हमने ब्लॉग बनाया, तो आज यहाँ से हमारी तैयारी हो गई है। तो अभी देख सकते हैं पूरे रेडी हो गए बैग वो, तो आज की ब्लॉग पे बने रहे हैं और आज दिखाएंगे श्रीनगर से गुप्तकाशी का सफर आपको। और अभी हमारे मयंक भाई आ रखे यहाँ पे, भाई जी थोड़ा, तो भाई जी हमें यहाँ पे छोड़ने के लिए आ रखे है और यहाँ पे आ चल रहा है, ये भी तैयार हो गई है, देख सकते हैं इसकी बैग। तो गाइस ये है ना, गाइस ये बोल के जाएंगे देहरादून के लिए। तो ब्लॉग पे बने रहे और दिखाएंगे आज का आपको ट्रेवलिंग ब्लॉग। और ये हमारे मयंक भाई, अगर कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के लिए तो आप दो निकल गए हम इस गली से। बाय बाय, बंद हम इस गली से और श्रीनगर का सफर हमारा यहीं पे तक था और इसके बाद होगा हमारा देहरादून का सफर शुरू। और हमने अंकल के 10 रुपये भी चले थे वो भी छोड़ दिए और निकल गए हम अपने सफर की ओर। तो आज का मौसम देख सकते हैं आप, कहा है पूरा पूरा दान का है ना, पूरा का है, हमने डाल दिया कूड़े डाल। तो चलो और चलो मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया था एकदम। और अभी पहुंच गए हम यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगी हमें बस गुप्तकाशी की, देख सकते हैं आप। मयंक भाई, हमारा मयंक भाई बैग लाते हुए यारे। मयंक भाई आपको कुछ कहना है? दोबारा यहाँ दिखेंगे इस गली में। तो चलो रुद्रप्रयाग तक, तो प्रयाग तक इस बस में जाना होगा और वहाँ से फिर हमें गुप्तकाशी की बस में बैठना होगा। ये बैठना इसमें भयंकर, तो कहते हैं काफी लोग यात्री, लोग सब यात्री लग रहे मेरे को। ये आंटी जी भी बैठे थे यहाँ पे और अंकल जी। फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग में, आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग मार्केट रुद्रप्रयाग का, आप देख सकते हैं। और जो श्रीनगर से रास्ते में मेरे को नींद पड़ गई थी इसलिए मैं बीच का दिखा नहीं पाया, तो यहाँ से देख सकते हैं ये है रुद्रप्रयाग का मार्केट। और इस वाली बस में हम अभी बैठे गए, यहाँ से हम दूसरी बस में बैठे हैं, जो वाली बस थी वो यहीं पर तक थी और यहाँ से हम गुप्तकाशी की बस में बैठ गए हैं। और देख सकते हैं रुद्रप्रयाग का, ये है रुद्रप्रयाग मार्केट आपका, यहाँ से यह है मेन मार्केट में हूँ अभी मैं, तो देख सकते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग की चेक।
तो यहाँ पे पहले देखा होगा आपने, एक मंदिर था हनुमान मंदिर, अब वहाँ पर टूट कर कुछ इस तरह से बन रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की दुकानें खुल गई है सुबह ही। तो आप आजकल ना सीजन फुल है, तो यहाँ पे चहल पहल, काफी चहल पहल है, तो दोस्तों देख सकते हो आप। ये हमारी बस यहाँ पे अभी कोई नहीं होता, बस एक ही बैठक है मूर्ति, और आगे देख सकते हैं बिल्कुल खाली। अभी तो पता नहीं एक डेढ़ घंटा लगेगा इसको जाने के लिए। आपका कुछ कहना है सीना? कैसा रहा? मुझे तो नींद आ गई थी रास्ते में, मुझे ना रास्ते में नींद आ गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, तो इसने मुझको उठाया भी नहीं भाई। भयंकर यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल सामने, खाने में अच्छा लग रहा है। चलो।